अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यहाँ परदेसी वाइब और मैं हूँ आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 83, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आतिफ सिद्दीकी का, मुझे जेन्युइन इनविटेशन लेटर चाहिए। भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पासपोर्ट भी गवर्नमेंट है। अच्छा, जो कंसल्टेंट्स और एजेंट्स आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बता रहे हैं जी हमारे पास इनविटेशन लेटर है, वो सब स्कैम फ्रॉड है। कोई भी बंदा कनाडा में मौजूद ऐसे इनविटेशन लेटर कंसल्टेंट्स को नहीं देता जी, मेरी तरफ से बेचो इसको, ऐसा नहीं है भाई, बाद में उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेन्युइन इनविटेशन लेटर अगर आपने लेना है तो आप स्किल ट्रेड्स बीसी के एग्जाम को चैलेंज करें। कनाडा की तरफ से, कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको इन्विटेशन लेटर आएगा और वो बाद में आप कॉल करके या ईमेल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, प्लम्बर और हेयर स्टाइलिस्ट, कुक, बहुत सारे प्रोफेशन। तो आपके पास वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस हो, अप्लाई करो, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है या इससे ज्यादा का हो तो आप अप्लाई करो, तो आपको जेन्युइन इनविटेशन लेटर आएगा। ये कंसल्टेंट्स और एजेंट्स से ये फेक इनविटेशन लेटर लेके अपनी सारी उम्र के लिए प्रोफाइल खराब ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्कू 545 का, भाई मेरे हस्बैंड इटली हैं, इलीगल थे, 8 साल हो गए हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ उनके पास, वो भी आ नहीं सकते, मेरी बेटी भी है एक। अच्छा, अगर वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो आप टूरिस्ट वीजा लगवा के वहां पे जाएं और अपने हस्बैंड से मिल लें। रेहान तुर का क्वेश्चन है, भाई प्लीज मेरा मैसेज जरूर देखें और रिप्लाई जरूर करना है। भाई मेरा फरवरी में कनाडा का वीजा रिफ्यूज हो गया है, भाई मैं दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप दोबारा अप्लाई कर सकती हैं। आपने जस्ट मेक श्योर करना है जो आपको रिफ्यूजल आया उसके अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने डिलिबरेटली कोई फैक्ट्स हाइड किए हैं, कोई झूठ बोल रहा है उनसे। अगर इस तरह का रिफ्यूजल है ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह का रिफ्यूजल नहीं है तो फिर आप बेशक 5 दफा अप्लाई करें, 10 दफा अप्लाई करें। अभी रिसेंटली मैंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी, भाई का 4-5 दफा रिजेक्ट हो चुका हुआ था वीजा, मतलब कनाडा से भी, यूएसए से भी, फिर भी वीजा लग गया इस बेस पे कि कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। अगर आपने झूठ बोला या कोई डिलिबरेटली कोई फैक्ट हाइड की तो फिर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुजहत मिर्जा का, अस्सलाम वालेकुम, भाई क्या कनाडा के जो वीजा आप बता रहे हैं लेडीज भी अप्लाई कर सकती हैं? पार्लर है मेरा, स्किल कुकिंग भी अच्छी है, खवातीन का और मर्दों का इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों के लिए बराबर चांसेस हैं। अब आपके पास पार्लर यानी कि हेयर स्टाइलिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये कुकिंग का भी आप कह रही हैं, तो ये ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस, वेरीफाइएबल कंपनी से एक्सपीरियंस हो। ये नहीं है कि आपको मुझे ये भी काम आता, वो काम आना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी कंपनी से वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस। हाँ ये देखिए, हेयर स्टाइलिस्ट और कुकिंग का काम आपको आता, ठीक है, तो ये दोनों ट्रेड्स जो हैं वो हाईली इन डिमांड है। आप स्किल ट्रेड्स बीसी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगी तो इन्विटेशन लेटर मिलेगा, उस इन्विटेशन लेटर की बेस पे आप कनाडा टूरिस्ट वीजा ले सकती हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि आपके पास किसी रजिस्टर्ड कंपनी का एक्सपीरियंस 3 या 3 साल से ज्यादा का हो। बद्री 313 का क्वेश्चन है, भाई अगर यूएई से डिपोर्ट हो तो कनाडा विजिट के लिए जी बिल्कुल प्रॉब्लम है, अगर आप डिपोर्ट हैं तो कनाडा के पास आपके ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अवैस का, अस्सलाम वालेकुम भाई, एफआरसी एंड एमआरसी आईएमएम 5645 के साथ अटैच करें या क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में? यही मैं कहता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में अपलोड करने हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ख्याल करें। अब एफआरसी और एमआरसी इस फॉर्म के साथ आपने अटैच नहीं करने, ये क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाएगा। एमआरसी क्लाइंट इंफॉर्मेशन में जाएगी और एफआरसी नेशनल आइडेंटिटी वाले सेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय ब्रो, आई लिव इन पेरिस एज ए फ्रेंच सिटीजन एंड आई एम वेटिंग फॉर माई LMIA विच आई ऑलरेडी साइन कॉन्ट्रैक्ट जॉब एज सुशी मन एट क्यूबेक, सो एज आई अंडरस्टैंड नो नीड LMIA, इट्स न्यू रूल, सो इफ आई गो टू क्यूबेक हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप प्लीज एक्सप्लेन, थैंक्स ब्रदर। जी ऐसा नहीं है कि ये LMIA खत्म हो गया, LMIA एक्चुअली 6 महीने, ये एक्चुअली मैंने एक वीडियो डाली थी वो 6 मंथ की वैलिडिटी वाला जो LMIA वाली वीडियो थी, उधर ये भाई कमेंट किया उन्होंने। तो ये 6 महीने इंप्लॉयर के लिए यानी कि कंपनी के लिए यानी कि रेस्टोरेंट वालों के लिए ये है, जो रेस्टोरेंट के मालिक है उनके लिए ये है कि भाई आपके पास LMIA है, आपने 6 महीने के अंदर अंदर इसको कहीं पंजाबी च कहते हैं हंधे मन्ने लाना है, इसको यूज करना, तो उस ये अच्छी बात हमारे लिए है जिनको जॉब चाहिए, या आप इस आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपने ये अभी आपको LMIA अब बता रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अभी आपका जो इंप्लॉयर है उसके पास सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर आपने
आपने उसने इसको एलएमआईए को यूज करना है, तो इसलिए वो भी बंदा मजबूर है कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं एलएमआईए यूज करके तो भाई को जो है ना इधर बुला लूं। तो ये आपके लिए 6 महीने नहीं है, आपके पास एलएमआईए आ गया, आपका बाद में वर्क परमिट पे 2 साल या 3 साल का वर्क परमिट लग जाएगा। एलएमआईए भी यूज हो गया, जो इम्प्लायर है उसका भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया। ठीक है जी, ये थे आज के क्वेश्चन। मजीद किसी के दिमाग में या दिन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।